अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों को, प्यार भरा सलाम। आज मैं आप लोगों को घर में केचप बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने 2 किलो टमाटर लिए और मैंने इसको धो के साफ करके कट किया मैंने, और फिर मैंने इसको देगची में चढ़ा दिया और 1 गिलास पानी डाला, 1 कप चीनी डाला, 1/2 कप सिरका डाल दिया, साबुत लहसुन के जवे डाल दिए 1, और इसमें पूरा 1 जवा जो लहसुन का होता है वो मैंने डाल दिया। लाल साबुत मिर्ची डाली, लाल पीसी मिर्ची डाली, तीखा बनाना होता है तो ज़रा ज़्यादा मैं मिर्ची डाल दी, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दी, 1/2 साबुत काट के डाला, और इसको मैं इस तरह से तेज़ आँच पे पका रही हूँ। जब ये बिल्कुल टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो 2 किलो में अच्छा खासा केचप बन जाता है घर में इस्तेमाल करने के बाद। ना तो बाज़ार से तो छोटी छोटी बोतलें होती हैं, मगर वो बहुत महंगी होती हैं और जल्दी खर्च भी होते हैं, बच्चे पसंद भी बहुत करते हैं केचप। तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पे बनाती हूँ, इसमें बरकत भी, 2 किलो में 1 बड़ा जार बन जाएगा और 10-15 दिन महीना तो चलेगा आराम से। तो मैंने कहा आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और रेशो उसका यही रखिए कि आपने 2 किलो टमाटर लिए, उसको कट किया, 1 गिलास पानी डाल दिया, उसमें 1/2 चम्मच नमक डाला, 1 कप शुगर डाला, 1 गिलास पानी डाला, लाल साबुत मिर्ची अपने हिसाब से जायके के मुताबिक, 1 पूरा 1 लहसुन का जवा आता है उसको छील के साबुत लहसुन डाला, 1/2 छील के काट के डाल दिया, अपने पीसी हुई लाल मिर्ची डाली, कुटी लाल मिर्ची डाली, 1/2 कप सिरका डाला, और इसको मैंने पकने को रख दिया। अभी जैसे ही गल जाएगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। बेहतरीन केचप आपके घर के लिए तैयार हो जाएगा। आप इसको इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को बना के खिलाइए। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों को आबाद रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, बेल आइकन को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।